इसका आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, 10 यूरोज हैं। तो इस कार्ड के अंदर बेसिकली चिप है, तो ये पैसे रखती है और इसी से हमारा जो है सारा धोना करना। जर्मनी आए और बियर नहीं पी तो फिर क्या था? तो ऐसा लिखा हुआ होता है, परफ्यूम शांति बनाए रखो। या तो बटन प्रेस होगा या तुम्हारा कार्ड है वो चल जाएगा, जैसे ही तुम कार्ड लगाओगे डोर ओपन हो जाएगा। दिखाऊँ तो ऐसी कुछ जो है हमारी क्लास दिखती है, हम 4 बार डांट खा चुके हैं, हम इसके अंदर हुआ हमारा। लिटरली हमारी जो क्लास लगती थी वो लगती थी शाम के 5 बजे तक। गाइज ये देखो, यहाँ पर ये भी ऑप्शन है हमारे पास। तो बेसिकली हमको एक कार्ड दिया हुआ है जो ये रहा, कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। तो इस कॉलेज के आइडेंटिटी कार्ड का काम क्या है कि हमको कपड़े धोने हैं, कुछ भी करना है, तो ये कार्ड यूज़ में आता है। तो ठीक है, इस कार्ड को मैं अंदर डालता हूँ या मशीन में, इसमें हमको रीफिल करना होता है। तो इधर हम कार्ड से कर सकते हैं, दिस मशीन इज़ फॉर कार्ड और दिस इज़ फॉर कैश। तो यहाँ से कैश डालना होता है, ठीक है। अभी देखो, अभी 0 यूरोज हैं इसके अंदर और 5 और 10 के ही डाल सकते हैं नोट। तो ये मैंने डाला 5-10 का नोट, अभी इसने ले लिया है, ठीक है। देखो अगर वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो 10 यूरोज हो गया। बस इसको ओके करो और कार्ड में पैसे जो है आ गए। तो देखो यहाँ से कार्ड जो है बाहर आ गया और कार्ड निकाला। अब मैं आपको वापस एक बार अगर डाल के दिखाऊँ तो ये देखो कार्ड के अंदर 10 यूरो शो करेगा यहाँ पर जो है सी। तो 10 यूरोज हैं। तो इस कार्ड के अंदर बेसिकली चिप है, तो ये पैसे रखती है और इसी से हमारा जो है सारा धोना करना, कपड़ों का जो होता है सारा इसी से होता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा कॉलेज, ठीक है। अभी जो कॉलेज है वो पूरा खाली पड़ा है। खाली क्यों पड़ा है? क्योंकि अब हमारे जो है सेमेस्टर ब्रेक चल रहे हैं और आई थिंक 99% जो कोर्सेज हैं उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं अब। तो अब मैं इसलिए आया, आज मैंने कहा पूरा खाली होगा, आराम से दिखाऊँगा लोगों को, ओके घटो के नहीं कुछ भी नहीं करेगा। सो बाहर चलते हैं, बाहर से स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली कॉलेज है कैसा और कहाँ से एंट्रेंस है। एंट्रेंस मैंने आपको दिखाई होगी पर बार, बट एक बार और अपन दिखा देते हैं एंट्रेंस। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह। तो यहाँ पर देखो ये बाव वन मतलब बिल्डिंग वन है। तो ये हमारे जो है कॉलेज की एंट्रेंस है, ठीक है। ये एक्चुअली हमारा जो कॉलेज है वो बिल्डिंग्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो पहला तो ये देखो, चलते हैं तुम्हारे को दिखा दूँ मैं अंदर। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर डिस्प्ले वगैरह लगे हुए हैं। ये हमारी एंट्रेंस है, ये एक बहुत छोटी सी यहाँ पर इन लोगों ने मेंजा बना रखा है। और इसके अंदर मतलब तुम अपने स्टूडेंट कार्ड से कुछ भी खरीद सकते हो, जो कि मतलब ऑब्वियसली पैसे लगते हैं बट सब्सिडाइज प्राइस होता है, ठीक है। ये एक छोटा सा एरिया बना रखा है जहाँ पर आप बैठ के अपना पढ़ाई कर सकते हो, क्लासेस जब आपकी नहीं हो तो, ठीक है। अब जो है ये बिल्डिंग वन है, ऐसे ही मैंने जैसे बताया। तो यहाँ देखो, यहाँ से और यहाँ से दोनों से ऊपर जा सकते हैं। ये जो नीचे के फ्लोर हैं, फर्स्ट ये वाला फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर तो जो है साइन कर रखे हैं उन लोगों को जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है और ये सब हैं। तो ये बिल्डिंग मेजरली उन लोगों के लिए बनी हुई है। और जो भी यू नो कॉलेज से रिलेटेड अगर तुम्हें कुछ काम हो या इंटरनेशनल ऑफिस हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। मैंने मेरा जो आईडी कार्ड था वो भी यहीं से लिया था। तो ये देखो, ये नीचे एक अच्छा इन्होंने वो बना रखा है, वो साइड हो गया, वीडियो ख़राब करा लो बस बिल्कुल। तो ये देखो, ये ऐसा कुछ है यहाँ पर, रात को बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली ये। तो अभी यहाँ पर एक सेमेस्टर एंड पार्टी भी होने वाली है हमारी 20th को, तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना के डेफिनेटली डालने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पर ऐसा कुछ सीन है और ऐसे करके जो है यहाँ पर रूम्स एलोकेटेड हैं। सो ये इफ़ यू कैन सी, देखो ये यहाँ पर लगा हुआ है 01022, जिसका मतलब है कि बाओ बिल्डिंग 1 और 022 मतलब रूम नंबर है ये 22। ऐसे करके जो है यहाँ पर चलता रहता है। यहीं पर ही हमारे एक जॉब फेयर भी लगा था, मतलब जिसमें कंपनीज आई थी, डिस्कशन हुए थे कंपनी। तो ये देखो, यहाँ से ऊपर जाके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और इन सबका जो मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ से जाते हैं ऊपर इन लोगों का, इसमें 3-4 या 5 चप्पा कितने फ्लोर्स हैं?
पांच फ्लोर है ना, तो तीन या चार फ्लोर हैं। हाँ तो चार फ्लोर हैं हमारे यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, यहीं पर ही हमारा एक्चुअली एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट हुए थे, तो जो सेमिनार हॉल्स हैं वगैरह हैं उसमें। देखो ये लैपटॉप लगी हुई है यहाँ पर, और ऐसे जो है आ गए लोग, मुझे लग रहा है आवाज करेंगे यार। तो ऐसी जो है क्लासेस हैं। अब मैं तुम लोगों को एक बार फटाफट बिल्डिंग चेंज करता हूँ। ये देखो जर्मनी आए और बियर नहीं पी तो फिर बावलो हो जाते बिल्कुल। ये दारू तो दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो यहाँ पर अलग अलग रूम्स बने हुए सेक्रेटरीज और इन सब के। ये कुछ जो है सी, जब यहाँ एग्जाम चल रहा होता है तो ऐसा लिखा हुआ होता है, परफ्यूम शांति बनाए रखो बेंच। और अभी यहाँ पर ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ पर अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर उनको देनी होती है तो वो लोग यहाँ पर पेन करके अपना चले जाते हैं यहाँ से। अब देखता हूँ एक मिनट अगर ये क्लास में कोई है तो। चलो तो यहाँ एक्चुअली क्या है कि हमें वो दिल लगाना पड़ता है। सो मैं तुम्हें अगर बाहर से दिखाऊं तो ये देखो ऐसा जो है यहाँ पर, या तो बटन प्रेस होगा या तुम्हारा कार्ड है वो चल जाएगा। जैसे ही तुम कार्ड लगाओगे डोर ओपन हो जाएगा, तो बाहर में मेहनत ना करनी पड़े इसलिए लोग यहाँ पर ऐसे लगा के निकल लेते हैं। ये देखो ये यहाँ पर एक क्लास है, ठीक है पीछे जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सिंस ये होस्टल है जैसे मैंने पहले बताया था, तो होस्टल में जो है वो बहुत बड़ी बड़ी जैसे क्लासेस नहीं दिखाते मूवीज वगैरह में, वो सारी क्लासेस यूनिवर्सिटी में होती हैं, यहाँ नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सेमिनार हॉल्स होते हैं, उन सेमिनार हॉल्स के बेसिस पे ही जो भी अगर कुछ करना होता है। तो अगर मैं पीछे से तुम्हें दिखाऊँ तो ऐसी कुछ जो है हमारी क्लास दिखती है, ठीक है। तो ये देखो ये है हमारी क्लास। अब मैं क्लास, तो ये क्लास में ऐसा सीन है कि ये जो है बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर। ये बोर्ड्स जो हैं यहाँ पर चौक है और ये ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर पढ़ाते पढ़ाते उसका बोर्ड फुल हो जाए, उसको मिटाना नहीं है, तो वो इसको ऊपर नीचे यहाँ पर ईजिली कर सकता है। अच्छा हमको सिखा रही है, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस वन, ऐसे ही चलता है। और अगर तुम यूनिवर्सिटी की किसी की वीडियो देखोगे तो वहाँ भी ऐसा ही चलता है। और अगर मैथ्स की क्लास है कुछ ऐसा है आर्किटेक्चर वगैरह, तो यहाँ पर सब रखा हुआ है चॉक्स वगैरह और ये सब, ऐसे ही यहाँ पर वर्क करता है पूरा चीज़ें जो है, ठीक है। अगर किसी को कुछ दिखाना है तो यहाँ भी लिख के दिखा सकता है। ये जो है ये बहुत अच्छा गैजेट है। तो यहाँ पर ऐसा क्या है कि अगर इन्होंने कुछ भी रख दिया यहाँ इसके ऊपर और यहाँ से अगर दिखाएंगे, ऐसा ही होता है ना वैभव, यहाँ पर अगर दिखाते हैं तो यहाँ पर 360 दिखता है। तो अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन क्लासेस हैं तो पूरी क्लास को भी दिखाना है, आगे भी दिखाना है। तो यहाँ पर जो कैमराज लगे हुए हैं इसके अंदर, मैं तुम्हें दिखाऊँ नीचे से, ये देखो यहाँ पर कैमराज और वो सब है, तो उसके काम आता है ये। तो पूरी क्लास भी दिख जाती है और साथ ही ना कैमरा, अबे हाँ ये उसी से, हाँ चिल्ला ले तो वीडियो में गाली दे दे तो ये दोनों काम आता है एक्चुअली, अपनी क्लास वाला जो है वो भी काम करता है। अरे करता है ब्रो भाई, वो जो 360 वाला कैमरा था ना, वो बड़ा सा एक स्पीकर टाइप लाती थी वो टीचर, वो काम में आता था। श्योर है? तो फिर ये सिर्फ उसके लिए है कि यहाँ पर कुछ रख दो तो विजिबल हो जाएगा स्क्रीन पे, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। हाँ चलो अब चलते हैं और तुम्हें दिखाते हैं दूसरी जो है हमारी क्लास जो है वो, दिखाते हैं निकल के इसको जो है अभी खोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब चलते हैं हमारी सीधा क्लास के अंदर ही और तुम्हें दिखाता हूँ मैं एग्जैक्टली कैसी है हमारी क्लासेस, ठीक है। सेमिनार और हाँ ये जर्मन क्लास थी हम लोगों की, तो मैंने तो जर्मन कोर्स छोड़ दिया था बीच में क्योंकि कुछ पढ़ा नहीं थी ढंग से, वो इन लोगों ने पढ़ पढ़ के दिमाग लगा दिया सब। पर जो है लॉकर्स लगे हुए हैं, आई थिंक ये स्टाफ के लिए होंगे लॉकर्स या स्टूडेंट्स के लिए होंगे, ये शायद स्टाफ के लॉकर्स हैं, तो यहाँ पर वो अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। और वॉशरूम है, वॉशरूम तो क्या ही दिखाऊँ तुम्हें, चलो चलो आगे चलते हैं। तो ये जो है हमारी एक लॉबी बनी हुई है, यहाँ पर लॉबी जो है ये बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर रही है। पता चलता है कि बस अगर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना है तो तुम्हें नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम सिंपली यहाँ पर आ सकते हो और इस लॉबी के थ्रू। तो यहाँ पर देखो नीचे देखा लाइट्स वाइट्स भी जो है यहाँ पर पूरी लगी हुई हैं। और ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई सेमेस्टर पार्टी या कुछ तो प्लान हो रहा होगा डेफिनेटली, तो उसके लिए चल रहा है यहाँ पर पूरी लाइट दिख जाएंगे। और तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, दियो एक मिनट, ये देखो नीचे की साइड
नीचे ऐसे चिल करके यहाँ पर, ये यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हैं लोग सारे, ठीक है। यहाँ पर बीच में पूरा ये नीचे एरिया बना हुआ है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ के जो नीचे एरिया बना रहे हैं वहाँ पर चिलिंग के लिए इन लोगों को। और बढ़िया है, आराम से अपना चिल करो, आओ यूनिवर्सिटी, पढ़ने का मन है पढ़ो, नहीं मन तो ठीक है। ये जो है कनेक्टिविटी है यहाँ से बीच में, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ आगे चल के। इस वाली बिल्डिंग में तो यार हम भी नहीं गए ना, इस वाली बिल्डिंग में एक्चुअली हम भी नहीं आए क्योंकि हमारी यहाँ क्लासेस वगैरह कुछ भी नहीं होती हैं। सो ये है बैचलर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ओके। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और ये यहाँ पर पूरा कोर्स है, तो ये देखो डिफरेंट कोर्सेज हैं, उन सब की जो क्लासेज हैं वो यहाँ लगती हैं। बैचलर्स आई थिंक ज़्यादा लग रही है ना, तो यहाँ पर बैचलर्स ज़्यादा लगती हैं। ये देखो यहाँ से, यहाँ भी सेम वही हाल है, अंदर भी क्लास चल रही है आई थिंक, या एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है, क्लास की डेट थोड़ी है, एग्ज़ाम। हाँ करेक्ट, तो एग्ज़ाम चल रहा है अभी अंदर, वो मान ही दिखाता हूँ मैं, पता चला पकड़ के हम ही उधर लिया बोले जो मार्क्स आए फेल कर देते तुम कोई भरोसा नहीं इन लोगों का, ठीक है चलते हैं यहाँ से, यहाँ सब कुछ ज़्यादा दिखाने को है नहीं, और आगे बढ़ते हैं बिकॉज यहाँ पर एग्ज़ाम के टाइम आवाज़ करना ना, जो टीचर है वो आपकी गाली दे देता है, वरना सिंपल मुंह पे आके उसमें गाली दे देगा, बोलेगा भागो यहाँ सर, दूसरे को एग्ज़ाम चल रहे चल रहे दो। हम चार बार डांट खा चुके हैं ऐसे इंडियन होने के चक्कर में, हमारी आदत नहीं धीरे बोलने की, तो इस चक्कर में बहुत बार सुन चुके हैं हम टीचर से। क्या बोल रहा है लड़कियां भी खा दूं ये थी बाव वन और ये है बाव टू। हमारी जो सारी क्लासेस हैं वो बाव टू में ही लगती हैं। बाव वन में भी हमारी क्लासेस आई थी, डेटा स्ट्रक्चर्स की हमारी जो क्लासेस थी वो यहाँ थी, बट हमने DSA लिया नहीं था। अब गाली मत देना क्यों नहीं लिया था हम अभी तक पछता रहे हैं डेटाबेस ना लेके। ये जो है बैक एंट्रेंस है हमारी उसकी बाव टू की, और फ्रंट एंट्रेंस आगे की साइड है। तुमने कभी ना कभी किसी ना किसी वीडियो में शायद देखा होगा, ये जो है रूम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सीन ऐसा है कि ये पूरा एरिया बना हुआ है जहाँ पर तुम आके अपनी अगर कोई प्रेजेंटेशन है या कुछ करना है तुम्हें तो तुम इजीली कर सकते हो। कहाँ पर एग्ज़ाम? हाँ एग्ज़ाम इसके अंदर हुआ है हमारा, आई थिंक अभी तो ओपन नहीं हुआ, ओपन ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हमारा जो है एग्ज़ाम हुआ था, कंप्यूटर के साथ एग्ज़ाम हुआ था। ये मुझे लगा था अभी तक नीचे ही है, हमने नीचे करके दिया था ना ताकि आगे का दिखे तो ये अभी तक नीचे है, हम लोग मतलब यहीं बैठ के हमने एग्जामिनेशन किया था। और ये स्क्रीन वगैरह लगी हुई है यहाँ पर, स्क्रीन बहुत बड़ी है ये एक्चुअली, तुम्हें वीडियो में शायद छोटी लग रही हो बट ये स्क्रीन बहुत बढ़िया है और ईजीली अच्छे से दिख जाता है। तो ऐसा जो है यहाँ पर लैब्स लगती हैं, एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ का सीन कुछ ऐसा है। पर जो है शेड्यूल लगा हुआ होता है और शेड्यूल अपडेट होता रहता है कि किस टाइम कौन सी क्लास होने वाली है यहाँ पर। सो मॉन्टाग से फ्राइटाग और सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तुम बैठ के अपनी जो है प्रेजेंटेशन अगर कुछ देनी है, कोई डिस्कशन करना है, पढ़ना है, यू कैन डू इट हेयर एज वेल, लाइब्रेरी ना जा के, तो दोनों ऑप्शन जो हैं वो पॉसिबल हैं। वो लिफ्ट चालू हो गई है अपनी, तो ठीक है लिफ्ट जो है लोगों ने अब चालू करी है जाके, पहले लिफ्ट यहाँ ये वाली जो लिफ्ट थी इस पर काम चल रहा था तो ये चालू नहीं थी। सो जाते हैं इस लिफ्ट के अंदर और तुम्हें बता देते हैं। चल तो रही है ना ये लिखा तो है इसमें कुछ, क्या है ये साइन मरना नहीं है मेरे को बस। तो ये देखो ये जो है एक लॉबी है हमारी, लिफ्ट से निकल के लेफ्ट साइड में यहाँ से यूनिवर्सिटी जो है कुछ पार्ट यूनिवर्सिटी का दिखता है। तो इसके आगे ऐसी यूनिवर्सिटी हो रखी है झड़झड़ अभी गिर जाएगी थोड़ा सा अगर कोई बारिश वारिश होगी तो।
क्या बढ़िया था गुरु। तो ये यहाँ से दिखता है, ये पीछे जो है ये लाइब्रेरी है, मैं तुम्हें अभी चल के दिखाता हूँ, बिब्लियोटेक बोलते हैं इसे। और ये बीच में कुछ एरिया बना हुआ है अगर तुम्हें बैठना है तो, इसको करते हैं बंद और चलते हैं आगे और तुम्हें दिखा दूँगी। ये वही अगेन थोड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल टाइप बना रखा है यहाँ पर, हमारे टीचर्स कभी कभी अगर कॉन्फ्रेंस करना होता है तो उसके लिए है। और चलो दिखाते हैं तुम्हें, ये जो है एक बीच में इन्होंने कॉमन एरिया बना रखा है जो दो बिल्डिंग्स को एक्चुअली या फिर दो दो पार्ट्स को कनेक्ट करता है। यहाँ पर भी क्लास लगती थी हमारी एक्चुअली, तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरे में SPM की क्लास होती थी जिसमें कुछ समझ नहीं आता था, पागल पता नहीं क्या ही पढ़ाता था लिटरली। हमारी जो क्लास लगती थी वो लगती थी शाम के 5 बजे तक, हमने तो आधी क्लासेस अटेंड ही नहीं करी चक्कर में, क्योंकि शाम तक लगती थी कुछ समझ आता नहीं था। ये जो है हमारी मेजर क्लास थी एक्चुअली, यहाँ पर हमारी मेजर जो क्लासेस थी वो लगती थी। और अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो ये देखो जैसे कि अभी लॉक्ड है, सो हमें एक बार निकालिए उसमें से या रिकॉर्ड कर ले तो एक काम कर चालू ही ठीक है। ये जो है हमारा यूनिवर्सिटी का कार्ड है, ये यहाँ लगाएंगे तो ये ओपन हो गया गेट, ऐसे सिर्फ जो यू नो ऑथराइज लोग हैं उन्हीं को एक्सेस अलाउड है अंदर, वरना नहीं है। ऐसे जो है ये जो हमारी लैब है ये उसको इग्नोर कर दो अभी के लिए, वो यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर सब चलता है ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तो यहाँ पर जो है मेन जो है टीचर जो है यहाँ से पढ़ाते थे, यहाँ पर पूरा एक प्रेजेंटेशन चलता रहता था। सो अगर तुम देखो तो यहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगे हुए हैं जिससे वो लोग कनेक्ट करते थे ठीक है, ये रहा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर पढ़ाते थे। और लेट्स अब ऑब्वियसली पीछे इतनी बड़ी क्लास है तो ये जो स्क्रीन्स तुम्हें दिख रही हैं इधर दिखाई पर, तो ये जो तुम्हें स्क्रीन्स दिख रही है ये स्क्रीन्स जो है यूज़ होती थी लाइक बच्चे घूम के इसमें भी देख सकते थे, बिकॉज जो प्रेजेंटेशन वहाँ चल रही होती थी वही सेम प्रेजेंटेशन यहाँ भी चल रही होती थी, तो पीछे तक इजीली तुम बैठ कर सकते हो। और ये कंप्यूटर स्क्रीन्स लगी हुई है जो कि इनके मेन सर्वर से कनेक्टेड हैं, सो अगर तुम लॉग इन करोगे उसके अंदर तुम्हारी सबकी एक ID बनी हुई है और तुम यू नो एज इन तुम्हारी ID से ही लॉग इन कर सकते हो उसके अंदर, सेम तुम्हारी ID पासवर्ड जो है। चलो आगे दिखाते हैं, और बस यही है हमारा जो मेजर क्लासेस थी वो यहीं पर लगती थी और बस इतना सा ही है, क्या ही बताऊँगा। और तुम देख ही पा रहे हो ऊपर ये जो लगी हुई है ये सब कुछ एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये उसके लिए लगी हुई है कि क्योंकि इतना बड़ा रूम है तो यू नो साउंड प्रूफिंग जो होती है लाइक ज़्यादा आवाज़ गूंजे ना एको ना हो, तो उसके लिए ये सारे इन्होंने ऊपर लगा रखा है। और यहाँ लाइट्स वगैरह हैं, पंखे तो मैं जर्मनी में मोस्टली कहीं मिलने वाले हैं नहीं, ना AC मिलने वाला है यहाँ पर, तो हम गर्मी में सर्दे थे यार अभी पीछे, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं किसे गर्मी नहीं लगती, हम तो परेशान थे आधे टाइम पर क्लासेस हम इसलिए ही नहीं आते थे क्योंकि गर्मी में बैठा के पढ़ाते थे ये लोग यार। एक पंखा लगा हुआ था वो भी आई थिंक टूट गया होगा अब तो, हाँ नहीं दिख रहा दिख रहा ये एक पंखा इसको ठीक